सो वी आर रेडी टू गो। और जो आगे का मुझे वीडियो है वो फोटो लोगे ये लड़की बनाने वाली है, पता नहीं कैसा बनाएगी। अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock एंड आज है 26 फेब और आज हमारी सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी है। तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए हम स्पेशली केरला आए हुए हैं और केरला काफ़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग। हम कितने बजे जाने वाले हैं? अभी तो 8 बज रहे हैं, अभी हम 1 घंटे में रेडी होके और फिर निकलते हैं यहाँ घूमने के लिए। ओके जाएंगे, क्योंकि नाइट में ज्यादा देर तक ड्राइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर जो रास्ता है ना वो मतलब थोड़ा डेंजर है। अच्छा, तो जो अपन को पास पड़ेगा अपन मतलब इवनिंग तक जो देख सकते हैं ना अपन वो देख के आ जाएंगे, क्योंकि 8 बजे तक अपन को वापस भी आना है यहाँ पे। तो आप तो सुंदर लग रही हो। चलो अब आप लेट मत करो, और भी काम है। बढ़ाई करो तो दिक्कत पूरा है। लैपटॉप का चार्जर घर पे भूलने के बाद में गुहार लगाता है वो लड़का। तो अभी हम जा रहे हैं ब्लूसम हाइडल पार्क। ये शायद फ्लावर्स है वहाँ पे, बहुत सारे फ्लावर्स। तो वैसे मेरी शर्ट पे भी है लेकिन ये नकली के हैं, अपन असली वाले फ्लावर्स देखेंगे। तो निकलते हैं अभी और उसके बाद में हम देखेंगे टीव म्यूज़ियम। ये दोनों ही जगह ऐसी हैं जहाँ पे मतलब टाइमिंग का रेस्ट्रिक्शन है, तो ये 5 से 7 बजे के बीच में शायद बंद हो जाती हैं। तो हम सबसे पहले वहीं जाएंगे और ये रास्ते में भी पड़ेंगी, तो चलते हैं वहीं पर। और उसके बाद में फिर डैम है, इको पॉइंट है, और बस 2-3 ये सब जगह हैं। तो मुझे पता है कि ये सब देखते देखते पूरा दिन निकल जाने वाला है। ऑलरेडी अभी 1 बज चुका है, ऑलरेडी दिख तो नहीं रहा होगा बिकॉज सनलाइट की वजह से, बट 1 बज चुका है। तो हम जल्दी जल्दी सब चीज़ कवर करने का ट्राई करते हैं। सो लेट्स गो। इन्होंने लेट कराया है। हाँ बोलो। नहीं मैंने लेट नहीं कराया, इन्होंने लेट कराया। हर जगह यही लेट करवाते हैं, हर जगह ये लेट पहुँचते हैं, हॉस्पिटल में भी लेट पहुँचते। अब मैं क्या बोलूँ, चलो चलते हैं अपन, क्यों टाइम वेस्ट कर। मेरा चश्मा है जो कबीर सिंह वाला है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक कबीर सिंह का गाना ही गा दूँ। कौन सा वाला गाना गाऊँ बताओ? आपको जो पसंद, इसमें रियल फीलिंग चढ़ाई आ गई, चढ़ाई आना, चढ़ाई खत्म होते ही गाऊंगा मैं। हाँ, रियल फीलिंग हो जिसमें बात दिल की नजरों ने की सच कह रहा तेरी कसम, तुझे कितना चाहे और हम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहे और। सो राइट नाउ वी आर एट हिंडल ब्लूसम पार्क और इसके पीछे है ये हिंडल ब्लूसम कैफ़े। और टिकट की अगर बात करें तो जो टिकट है कार पार्किंग का है 40 रुपीज़, और इंडिविजुअल पर्सन का जो चार्जेस है टिकट का वो है 50 रुपीज़ ईच। और उसके साथ में एक है
एक्वा शो का अलग से 30 रुपीज ही, तो वो हमने लग लिया है और अभी चलते हैं। ब्लूम पार्क और 10 out of 5 नंबर दूंगा अगर यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो देखने के लिए इसको। और दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो जो फ्लावर्स है डिफरेंट वैरायटी, और एक यहाँ का जो यहाँ पे एक वो भी एक्वेरियम भी बनाया है, उसमें बहुत ही तरह तरह की फ़िश है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है यार रेस्टोरेंट में, ऑर्डर तो हमने दे दिया है, जल्दी से खा के और हम निकलते हैं टी गार्डन। तो ये फैक्ट्री तो बंद हो गई है, हम अगली बार आएंगे तब देखेंगे फैक्ट्री को, अभी तो वीडियो ही दिखा देता हूँ इस फैक्ट्री का। तो अभी हम हैं लोकहार्ट टी फैक्ट्री। ये टी फैक्ट्री यहाँ पे काफ़ी टाइम से है, और अभी कोविड के बाद से यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, वो बंद हो गया है, अभी तो वहाँ जा नहीं पाए हम। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा शॉप है जो यहाँ पे जो टी प्रोड्यूस होती है उसको सेल करता है, तो हमने यहाँ से ली है। एक तो रेगुलर टी और एक ग्रीन टी का पैकेट अभी लेने गई है कृतिका शॉप पे, वो पहले तो नहीं ले रही थी लेकिन मैंने बोला कि बार बार आने का मौका नहीं मिलेगा, तो इस वजह से अभी ले रहे हैं वो, मैं आराम से घर पे जाके पीऊँगा। तो ओरिजिनल जो टी है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो यहाँ आ सकते हैं आप ओरिजिनल टी लेने के लिए। बाकी भाई नज़ारे तो जैसा मुनार में है सब जगह एक जैसे ही है। ये हमारी जो ग्रीन टी है वो भी आ गई, सो दिस वन इज़ द ग्रीन टी। इसका कॉस्ट है 280 400 ग्राम्स, और ये जो रेगुलर टी है इसका कॉस्ट है कितना था, 185 फोर हाफ के जी, बट एमआरपी 210। अरे एमआरपी से क्या डिस्काउंट मिला है। हाँ, बट डिस्काउंट। तो भैया हमारा प्लान तो था यहाँ से डैम जाने का, और दो तीन जगह और है वहीं पे इको पॉइंट ये सब देखने का, लेकिन प्लान तो फुस हो गया है क्योंकि हम लेट हो गए हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, और अगर हम यहाँ से जो डैम और इको पॉइंट और जो दो तीन स्पॉट है वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो हमें रात हो जाएगी एक्चुअली। और जो कोई जैसे वीडियो को किसी को डिस्टर्ब करना है लेने में, तो इनसे थोड़ा क्लास ली जा सकती है ज़बरदस्ती इसको नीचे ऐसे। हाँ तो मैं कहा था, तो अभी वहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये लोचे की वजह से लेट हो गए हैं आज हम, ऐसे कुछ और भी घर पे किए वहाँ होटल में भी, ये मैं बोल रहा हूँ जल्दी चलो, तो उसी का नतीजा है कि हमारे बहुत सारी जगह अभी मिस हो गई हैं, तो इस वजह से चलो अभी तो वापस चलते हैं। वहाँ पे पास में ही जो गार्डन है चाय के बगियान, वहीं पर फोटोग्राफी करेंगे थोड़ी। राइट नाउ वी आर एट कोई भी एक बाग में है चाय के, यहाँ पे बहुत सारे बाग हैं तो बताना मुश्किल होगा कि कौन से बाग में है। और आज के दिन की अगर बात करें तो शानदार रहा, हम दो जगह गए हैं सिर्फ टोटली। सो इसी के साथ आज का दिन भी ख़त्म होने को है, शाम के 6 बज चुके हैं अभी। यहाँ से रिजॉर्ट जाएंगे, और रिजॉर्ट जाने के बाद में कल के लिए हम तैयारी करेंगे क्योंकि कल भी हमें थेकड़ी के लिए निकलना है जल्दी।
तो पैकिंग वगैरह सब अभी करना पड़ेगा, तो मिलते हैं कल।